हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड हैक। गाइस, मैं आज आपके लिए एक कुछ अलग हटकर वीडियो लेकर आई हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है गाइस मेरे डेंटिस्ट का, सॉरी मेरे नहीं, मेरे बेटी के डेंटिस्ट का। यस गाइस, जो मेरी छोटी बेटी है मायरा, उसके टीथ में कैविटी हो गई थी, ऊपर के टीथ में कैविटी हो गई थी उसके। एक्चुअली टीथ में कुछ स्पेस था जिसकी वजह से खाना फंसता था, और इट्स माय मिस्टेक कि मैं उसके ब्रशेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक्चुअली मैं वो रात को ब्रश नहीं करती थी, और अभी कुछ लास्ट मंथ इतना होशपोश था कि मैंने भी नहीं ध्यान दिया, तो उसके कैविटी, जैसे रात को खाना फंस गया हुआ एज इट इज़, ऐसे सो गई थी तो उसके ऊपर वाले टीथ में कैविटी हो गई थी। तो उसमें मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, जो पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके इस तरीके से स्पेस था तो खाना फंसने की वजह से हुआ है, और उसकी कैविटी निकालनी पड़ेगी। और एक्चुअल में उसके टीथ की गाइस 70% कैविटी है थी, तो उसकी मतलब टीथ काफ़ी डैमेज हो गया था। तो पहले उसकी जो डॉक्टर थी, उन्होंने हमें बताया कि इसके 4 सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन में वो उसकी जो कैविटी है उसको निकालेंगे, एंड सेकंड सेशन में उसको एनीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे, सुन करेंगे, और उसके बाद उसके नसों में अच्छे से सब साफ़ सफाई करेंगे। एंड थर्ड सेशन में उनकी नसों में हर जगह मेडिसिन डाली जाएगी और मसाला भरा जाएगा। एंड फोर्थ लास्ट सेशन में उसके मसाले में टीथ का जो शेप देके उसको, जो बोलते हैं ना कैप, टीथ की कैप, वो लगाई जाएगी, जो सिल्वर कैप होती है वो लगाई जाएगी। तो ऐसे करके 4 सेशन हैं जो हर वीक में एक बार होते थे। तो पिछले 1 महीने से ये चल रहा था सेशन, अभी आज लास्ट सेशन कंप्लीट हुआ है। तो मैं वन बाय वन आपसे इसका वीडियो शेयर करूँगी। मैंने उनके इजाज़त लेके मैंने वीडियो बनाया है, डॉक्टर की इजाज़त लेके ही। और उसमें जैसे मैं वॉइस ओवर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सुने जो डॉक्टर मेरी बेटी से बात करती है ट्रीटमेंट के दौरान, जो भी वो उससे बोलती है या उसे समझाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी सुने कि किस तरीके से जो बच्चों की डॉक्टर होती हैं वो कैसे बच्चों को बहला के समझा के उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और स्पेशली ये डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई ये डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं। और गाइस, मतलब वो एक एक चीज़ को डिटेल उसको पहले बताती है कि मैं ये करने वाली हूँ आपके साथ, आपके टीथ के साथ, फिर उसके बाद वो स्टार्ट करती है ताकि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे, कोई औजार देख के वो डरे नहीं। और जाते ही सबसे पहले उसने सारे जो भी उनके औजार थे, उनके जो भी टूल्स थे, उसको इंट्रोडक्शन करवाया मायरा से। सॉरी, मैं उसका वीडियो क्लिप नहीं ले पाई, पर जाते सबसे पहले सब टूल्स के उसने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये टूल्स हैं और मैं ये काम आपके करने वाली हूँ इस तरीके से। और फिर उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और उसमें भी वो जब कर रही थी, उससे पहले भी उसने, डॉक्टर ने मायरा को बताया कि मैं ये करने वाली हूँ और ये ऐसा इफ़ेक्ट होगा, आपको दर्द नहीं होगा। तो टोटली मतलब समझा कर ही उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया है। और आज मैं आपसे फर्स्ट डे का जो वीडियो है वो शेयर करूँगी, और फिर कल करूँगी सेकेंड डे का, वन बाय वन करके मैं ऐसे वीडियो शेयर करूँगी, ताकि अगर आपके घर में किसी बच्चे को है तो आपको पता चले कि किस टाइप का ये ट्रीटमेंट होता है। और इस ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, और इसमें कितना पेन होता है, कितना नहीं होता। और इसमें सिर्फ सेकेंड डे ही एनीसिया का इंजेक्शन लगाया था, अदरवाइज़ 3 दिन नहीं लगाया था। तो आपको थोड़ा मतलब नॉलेज हो कि अगर आपके बच्चे को कभी होता है तो आपको करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, किस टाइप से होता है, आपको पता चले। और एक बात और गाइज, आप हो सके ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे हैं वो रात को भी ब्रश करके सोएं, तो उनके लिए अच्छा रहता है। तो दैट्स इट, अब मैं आपसे उसके फर्स्ट डे की जो ट्रीटमेंट है उसका वीडियो शेयर करती हूँ इसके बाद। तो वो वीडियो आप देखिए, और फिर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो।
बात पाँच